Hello students, welcome at this new session of Indian History with the chapter What Happened to Indus Valley Civilization। चलिए चैप्टर की बाद में करेंगे, पहले कुछ बातें बिल्कुल सहज होकर के पढ़िए, बहुत ज्यादा जोर मत लगाइए। जब आप कहीं बल लगाते हैं ना कहीं पर भी, तो आप असहज हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारी लैंग्वेज ने 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D में कन्वर्ट कर दिया है और हमारा दिमाग लगातार या तो 3D और 2D को ट्रांसलेट करता रहता है और या फिर 2D को ही सच मान करके रटता रहता है। अक्षर वे वर्ड्स जो किसी सच का सिंबल है आप उनको सच मान करके रटते रहते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट कि मेरे पास 10 भैंसे हैं और एक भैंस का नाम तो मैंने गौरी रखा है। फाइन, सो अब रखने वाले तो कहेंगे कि भाई ये भैंस गोरे रंग की है, बट नो, इट इज द नेम ओनली, इट्स द नेम ऑफ माय बफेलो। फाइन, सो जस्ट मेंटेन दिस डिफरेंस, हिस्ट्री विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर वार्म वेलकम, योर वार्म रिएक्शंस, योर वार्म एक्सपेक्टेशंस। तो आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के परवर्ती चरण की। एक लाइन बताऊं थी कहीं कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो सिंधु सभ्यता जो पूरे विश्व को चमत्कृत किए हुए थी, किस बिना पे चमत्कृत किए हुए थे बताऊंगा आपको। नंबर एक, उनकी नगर नियोजन पद्धति और आकांक्षा और क्षमता। वे बड़े बड़े नगरों का निर्माण कर सकते थे, उनकी क्षमता थी, उनकी आकांक्षा थी, एंड दे वे हैविंग अ प्रोसेस। फाइन। सेकंड, ईंटों से पकाई हुई, ईंटों से बड़े हुए बड़े बड़े स्मारक विश्व में, जबकि क्रोट्स द्वीप में एक मोहल्ले को छोड़ करके और कहीं भी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। देन लेखन शैली, ऑफ कोर्स अगर एक नगर की जनसंख्या 50,000 रही होगी तो 50,000 लोगों के समूह को नियंत्रित करने के लिए उस भाषाई क्षमता का जन्म हो चुका था उनमें। देन नाप और तौल के बड़े पैमाने पर उपकरण, बड़े पैमाने पर आस्था केंद्र मिलते हैं, कभी मातृ देवियों के रूप में मिलते हैं, कभी अन्य पवित्र पशुओं के रूप में मिलते हैं। दीज वेर द फैक्टर्स, ये वो चीजें थी जो इंडस्ट्रियली सिविलाइजेशन का वैशिष्ट्य थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 2400 ईसा पूर्व से ग्रहण लगने लग गया इस संस्कृति को। 1900 ईसा पूर्व तक आते आते मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वीरान हो गए, वन फैक्ट, लेकिन बाकी शहर वीरान नहीं हुए थे, लोग रह रहे थे वहां पर। परंतु वह केंद्रीय व्यवस्था, वह नागरिक भव्यता, वह शक्ति के प्रदर्शन को दर्शाती हुई जैसे नर्तकी की मूर्ति, जैसे विशाल स्नानागार, वे संरचनाएं खत्म हो गई थी। बहुत सारे कारण बताए गए, कुछ लोग तो कहते थे कि जलवायु में परिवर्तन आया, लगता है आया होगा, क्योंकि उस समय सिंध प्रदेश में इतने घने जंगल थे कि गैंडे रहते थे, आज तो सेमी अरिड एरिया है सिंध प्रदेश, बलूच प्रदेश, तो हो सकता है कि जलवायु में परिवर्तन आया हो और इतने विशाल जनसमूह के लिए संसाधन न बचे हो, उन्होंने शिफ्ट किया हो सकता है नदियों ने रास्ते बदले, बिल्कुल संभव है, और बड़ा विनाशकारी प्रभाव था ये। अगर नदियों ने रास्ते बदले थे तो उसका परिणाम था यमुना और चंबल दोनों आकर के गंगा नदी तंत्र में मिल गई थी। पहले चंबल ने यमुना में मिलकर के यमुना को विशाल जलराशि वाली नदी बनाया और फिर यमुना ने गंगा जी में मिलकर के, नतीजा क्या हुआ, सरस्वती के तट पर जो 900 से ज्यादा बस्तियां थीं, उन बस्तियों के सामने अस्तित्व का संकट आया होगा और पूरी संभावना है कि वे बस्तियां धीरे धीरे पूरब की तरफ प्रव्रजन करने लग गईं। और भी नदियों के मार्ग बदलने के संकेत हमें अन्य जगहों पर भी मिलते हैं। एक और है कि आकस्मिक बाढ़ आई होगी, राइक्स कहते हैं, बड़े फेमस हिस्टोरियन हैं, वे कहते हैं कि शायद सिंध नदी में कोई अवरोध आ गया होगा, बड़े पैमाने पर बाढ़ आई होगी। सरप्राइजिंग भी है, मोहनजोदड़ो का जो प्रेजेंट लेवल है ना, उसके 65 फीट तक बस्ती का बसाव है और 85 फीट तक हमें मिट्टी का जमाव दिख पड़ता है, असंभव लगता है, नहीं ये मिट्टी का जमाव नहीं था। फेयर सर्विस कहते हैं कि ये जो अगल बगल रेत उड़ रही थी, जो जंगल काटते थे, उन रेत के यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाने का परिणाम था ये, और अगर नदी का रास्ता रुका था तो उसने रास्ता बदल भी लिया होगा। अपने समय के बड़े सनसनीखेज अवधारणा थी व्हीलर की कि आर्यों ने नष्ट किया इसको, वे कहते थे कि इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, इंद्र ने हरियूपिया में नष्ट किया था, ये लोग घोड़े का प्रयोग जानते थे, ये लोहे का प्रयोग जानते थे, यही चीज़ें हड़प्पा के पर्वतीय स्तरों पर मिलती हैं हमको। सो एक पूरी संभावना उनकी आदत के अनुसार कि ये आर्य आए और जीत लिया, बट बात की खोजों में कहीं पैर नहीं ठहरे। अगर इतनी बड़ी विजय थी तो हत्याकांड भी होते, कहीं नहीं दिख पड़ते हमें।
हाँ मुंजोदड़ो एक हत्यारी गली 11 कंकाल। लेकिन रिमेम्बर जरा स्थिति की कल्पना कीजिए कि सभी गतिशील कंकाल हैं, पीछे से आक्रमण करके मारा गया है। लगता है कि जैसे बस्ती वीरान होने के बाद ये चले गए थे, जमीन में कुछ रह गया था गड़ा हुआ, ये लेने आए थे और जब खोद करके निकल रहे थे उस समय भागती अवस्था पर पीछे से आक्रमण किया गया। बस्ती वीरान हो चुकी थी माइंडेड, क्योंकि इनके ये शव पड़े रह गए, ये इंडस का कल्चर नहीं था। एक फेयर सर्विस बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। फेयर सर्विस कहते हैं कि एक औसतन कृषक अपने उत्पादन का 80% कंज्यूम करता है और 20% सरप्लस होता है, दैट मीन्स ये वो जो मार्केट में जाता है। ओके फाइन, अब जरा 5 लाख की सिंधु सभ्यता की कल्पना कीजिए, ग्रामीण बस्तियों की कल्पना कीजिए कि उनको फीड करने के लिए कितना 20% आता रहा होगा। और जब उन ग्रामीण बस्तियों का वजूद संकट में पड़ गया, जब सरस्वती सूख गई, जब नदियों ने मार्ग बदल दिए, जब बाढ़ आने लग गई, बाढ़ ज्यादा ज्यादा समय के लिए आने लग गई, ऐसी हालत में बस्तियों को प्रव्रजन करना पड़ा। हाँ एक बात सच है, जैसे सिमेट्री एच है, कब्रिस्तान एच है, यहाँ पर हमें बाहरी संस्कृति के आने के संकेत मिलते हैं, अन्य कई जगहों पर मिलते हैं, लेकिन यह इकलौता कारण संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक अवधारणा है, अभी तथ्यों के आधार पर छानबीन बाकी है। लेकिन आज अगर इतिहास के इतने दौर पर आकर के खड़े होकर के देखें हम, तो हड़प्पा सभ्यता खत्म नहीं हुई, हड़प्पा सभ्यता रूपांतरित हो गई। खत्म होना तो तब होता जब वे नगर वीरान हो जाते, खत्म होना तो तब होता जब उस सभ्यता ने कोई सांस्कृतिक उत्तरदायित्व तो दिया ना होता, खत्म होना तो तब होता जब बड़े पैमाने पर उनके हत्याकांड या प्रव्रजन के संकेत दिख पड़ते, कहीं नहीं है ऐसा। मोहंजोदड़ो और हड़प्पा वीरान हो गए, बट माइंडली लोथल, कालीबंगा, चानहुदड़ो, बालाकोट, ये बस्तियां परवर्ती दौर में चलती रहीं। अब नई ईंटें नहीं आ रही थी, पुरानी ईंटों से ही मकान बना रहे थे वे। अब मकान के भीतर दीवार खड़ी करके इंक्रोचमेंट किया, एक एक बाट तंग होती हुई बस्तियों के जैसे संकेत मिल रहे थे। मोहंजोदड़ो हड़प्पा में भी ये संकेत हमें दिख पड़ने लगते हैं, शायद फिर वही जो संसाधनों की भूख जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से ये बस्तियां संसाधनों की जो भूख थी, कुछ बस्तियां तो सर्वाइव कर ले गईं, लेकिन कुछ बस्तियां जो बाहर बढ़ी छोड़ करके, जैसे रंगपुर, वे बस्तियां लंबे समय तक अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाई। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बाद आज जो सांस्कृतिक उपादान है उसके, हमने नाग पूजा वहां से ली है, हमने प्रकृति पूजा ली है, हमने स्वस्तिक की पूजा ली है वहां से, हमने जल को पवित्र मानना सीखा है, हमने वृक्ष की पूजा ली है वहां से, वहां से हमें देवाधिदेव महादेव का अंकन मिलता है, हमें शिवलिंग की उपासना के संकेत मिलते हैं, हमें नाप और तौल की एक मानक प्रणाली के संकेत मिलते हैं, और हमें राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो हमारा आज का वैशिष्ट्य है, सिंधु सभ्यता का वो रूप हमें आज तक चलते हुए दिख पड़ता है। तो कहां मरी सभ्यता? हाँ, सभ्यता का रूप संक्रमित हो गया। ये जो नया रूप था ना, ये सही है कि इनमें लेखन शैली का अभाव था, जो एक विशिष्ट मृदभांड शैली थी, भव्यता के प्रदर्शन वाली इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की लाल काले मृदभांड, वो नहीं थी। मृद मूर्तियां नहीं बनाई जा रही थी, नर्तकी की मूर्तियां भी नहीं बनाई जा रही थी, अन्नागारों का वजूद भी कम होता जा रहा था। इवन दो हड़प्पा मोहंजोदड़ो के परवर्ती दौर में भी स्नानागार के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। स्नानागार के दरवाजों के बंद होने का मतलब था कि कोई अभूतपूर्व संकट वहां पर था, वही संकट इन बस्तियों के साथ चलता रहा। और आखिरकार 1200 के आसपास एक नई संस्कृति आती है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, मैं बताऊंगा बाद में आपको, ये लोहे का प्रयोग जानते थे। बट एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है भारत के इतिहास में इस सांस्कृतिक रूपांतरण के दौर में, कि सांस्कृतिक विसरण पूरब की तरफ होता है। हमें इधर ग्रामीण बस्तियों का पतन थोड़ा बहुत दिख पड़ता है सिंध क्षेत्र में, लेकिन बड़े पैमाने पर गंगा यमुना के द्वाबा की तरफ हमें सांस्कृतिक बस्तियों का फैलाव दिख पड़ता है। यह सच है कि जोरवे संस्कृति और कायथा संस्कृति दोनों अप्रभावित रही हैं, लेकिन बाकी समूचा क्षेत्र जैसे इन नए आप्रवासियों से जो शिल्प कला जानते थे, ग्रामीण क्षेत्र समृद्ध हो गया, गांवों के बीच की दूरियां कम हो गई, 7-8 किलोमीटर पर गांव होने लग गए, गांवों की आबादी बढ़ गई, 100-150 लोगों की आबादी एक गांव संभालने लग गया, शायद इनका प्रमुख भी हो गया होगा। तो यह था सांस्कृतिक रूपांतरण। कुछ जगह तो ऐसी हैं, रंगपुर सौराष्ट्र, बिल्कुल लगता है जैसे सिंधु सभ्यता का स्टेप इनका अडॉप्टेड सन है ये। हाँ ये सच है कि संसाधन उतने नहीं थे, पहली बात तो नागरिक आकांक्षा नहीं बची इन बस्तियों में, वे ग्रामीण बस्तियों में कन्वर्ट हो गए या उद्योग बस्तियों में कन्वर्ट हो गए, जैसा गिलुंद और आहार में दिख पाता है, वे पहले भी तांबे का उत्पादन करते थे, अभी भी तांबे का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक संस्पर्श जो दीप्त करता था इंडस के प्रकाश के, उनको वो खत्म हो गया था, वे स्थानीय मृदभांड शैलियों की तरफ आ गए थे, अलेखन शैली का युग आ गया था, लेखन कला एक लंबे अरसे तक वजूद में नहीं रही, चित्रकला एक लंबे अरसे तक वजूद में नहीं रही, लेकिन बावजूद उसकी
यह एक सांस्कृतिक हस्तांतरण था उस नई संस्कृति के सम्मान में जो घोड़े का प्रयोग जानती थी, जो लोहे का प्रयोग जानती थी, जो अश्वरोही थी, जो यद्यपि गायों को अपनी संपत्ति मानती थी लेकिन इन गोपालकों के ऊपर अश्वरोहियों का वर्चस्व होता था। तभी तो घोड़े की गणना ऋग्वेद में अश्व की गणना 215 टाइम्स की गई है, सबसे ज्यादा। फिर बात करेंगे आपसे, लेकिन एक बात बताऊं, इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता खत्म नहीं हुई, संक्रमित हो गई थी। अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर अगली पीढ़ी को दे करके संक्रमित हो गई थी। एंड आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस कि हम जितना सिंधु घाटी सभ्यता से दूर जाते जाते हैं उतना ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के नजदीक आते जाते हैं। फाइन, फिर कहूंगा बी नॉर्मल, शब्दों के परे देखने की कोशिश करिए, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करिए, सक्सेस विल कम टू यू। एक तपस्या की जरूरत होती है, थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, शब्दों के भीतर झांकने की होती है। बहुत जल्द मिलेंगे, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।